बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे फिकर में आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली। क्या बात है सिम्स, अब वही ना तो गुल्लू दी ग्रेट की ग्रेट गर्लफ्रेंड। अब ये लड़की पक्की हमारे घर में जच गई। मिसेस गुल्लू खन्ना। मैं तो सॉइल एनालिसिस पे प्रोजेक्ट बनाऊंगी और सीमा फर्टिलाइजर्स पर प्रोजेक्ट बनाएगी। ठीक है, अगर इस बार पेनी ने कोई गड़बड़ की ना तो मैं उसे माफ नहीं करूँ। तुम दोनों बेफिक्र होके सुरेंद्र अंकल से प्रैक्टिकल सीख लो। खुद्दी की बच्ची, अब तो तुम कई काम। अब देखिए आ गए। ज्यादा दांत मत फाड़ो तुम सारे अपने। एक तो तेरा प्रोजेक्ट इतना अजीब है, ऊपर से तुझे जो गाइड मिली है वो तुझे गाइड कम मिसगाइड ज्यादा करेगी। तू तो गई काम से बेटा। चुप हो जा तू। गुड्डी देखो बड़े गुस्से में लग रही है। और ना अंदर किसी को पता चला कि तुम गुड्डी का ऐसे मजाक उड़ा रहे हो तो तुम्हारा तो बाजा बज जाना है। हरिवीर, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो इन दोनों के साथ मिलके। नहीं गुड्डी, वो बात नहीं है। जब तेरे प्रोफेसर ने प्रिंसिपल की लड़की को तेरा गाइड बनाया तो तू बोल नहीं सकती थी कि मेरे को दूसरा गाइड दे दो। हाँ हाँ, प्रोफेसर दास तो मेरे चाचा है ना, तो मेरी बात मान लेंगे क्या रिवीर आप भी। अच्छा चल जाने दे, एक ही तो प्रोजेक्ट है और वैसे भी पापा ने तो तेरे को एनालिसिस का मेथड बता ही दिया है, तेरे को कोई गाइड की जरूरत ही नहीं पड़नी। हाँ, मैंने भी ना पेनी को प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत ही बताया है, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैंने पेनी की मदद बिल्कुल नहीं लेनी है। वेरी गुड। गुल्लू यार तुझे क्या लगता है, पूरे कॉलेज में से तो सिर्फ एक का ही प्रोजेक्ट जाना ना यूनिवर्सिटी में, तो किसका प्रोजेक्ट जाएगा, गुड्डी का या सीम्स का? आगे अपनी औकात। नहीं नहीं, वैसे तो ना गुल्लू तू ये बात टाल रहा है ना। देख ये तो मुझे भी जानना है कि तेरी बेस्ट विशेस किसके साथ है, मेरे साथ या फिर सीम्स के साथ? बो 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 बोलना ना। अरे बोल कि तेरी बेस्ट विशेस किसके साथ है, अपनी गुड्डी के साथ या सीम्स के साथ? ऑफ कोर्स सिम्स। देखा? क्या? के साथ नहीं है, गुड्डी के साथ है। पहले पूरी बात ना सुना करो। एनी और देख उस चोट जैसे बाल वाले को। सोच रहा था गुल्लू से बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा है, इसने तो जवाब ही नहीं दे सकना। अबे गधे, जहां मेरे लिए गुड्डी है वहां सिम्स ने कभी होना है क्या है? तो देख लेना, इस बार गुड्डी का प्रोजेक्ट कॉलेज में सेलेक्ट भी होगा और फाइनली यूनिवर्सिटी की ट्रॉफी भी गुड्डी को ही मिलनी है। अरे होए मेरा प्यारा भी, ये तो एम ही है। देखा, यही है मेरा सबसे अच्छा भी। हाय सिम्स, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारा फोन आ गया ना, ठीक हो गया। गुल्लू, तुम्हें गुड्डी ने बताया होगा कि हम दोनों के प्रोजेक्ट्स प्रोफेसर दास ने अप्रूव कर दिए हैं। अरे हाँ बताया, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स गुल्लू। गुल्लू पर मुझे ना बड़ा डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? यही कि
ताकि आज प्रोफेसर दास के सामने प्रैक्टिकल में कोई गलती ना हो जाए। अरे सिम्स, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम देखना, तुम्हारा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो ही जाना। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे? अपने से ज्यादा सिम्स। तुम तो बस बेफिक्र होके अपना प्रैक्टिकल दो, और तुम देखना, तुम्हारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट ही नहीं होना बल्कि उसने यूनिवर्सिटी में जीत भी जाना है। रियली सिम्स, ये किसी ऐसे वैसे की नहीं, गुल्लू दी ग्रेड की भविष्यवाणी है। तुम देखना, इस बार यूनिवर्सिटी की ट्रॉफी तो तुम्हें ही मिलनी है। बुटी फोन दे मेरे यार। चाचू। सिम्स, तू गुल्लू की बातों में ना बिल्कुल मत आना, ये ना एक नंबर का झूठा है। पता है अभी 5 मिनट पहले मुझे पता क्या कहता है? गुड्डी, ये कंपटीशन ना तो सिर्फ तूने ही जीतना है, और अब कह रहा है कि ये यूनिवर्सिटी की ट्रॉफी तू जीतेगी। गुल्लू, तू ही मुझे बता कि तू हम दोनों में से किसको बेवकूफ बना रहा है, मुझे या फिर सीम्स को? गुड्डी, ओवर तो बोल। ओवर। दोनों को। हाँ। इस घर में प्रिवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। जब देखो तीनों मुंह उठाए कहीं भी चले जाते हो। अरे कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है यार, तमीज रखो। बाय जानू। ओ, जानू। यार के दुश्मन, हाय 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 हाय। ये गुल्लू तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। सूर्या, जब तुम्हारे उससे दोस्ती हो जाएगी ना, तब देखना, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि तुम हंसने पे मजबूर हो जाओगे। अच्छा, लेकिन आज तक जो कुछ उसने किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो विलन है यार। एए, मेरे भाई को विलन मत बोलो तुम। उत्तरी, मैं ये कैसे भूल गया कि मैं उस भाई की बात कर रहा हूँ जिसकी लाडली बहन मेरे सामने बैठी है, और मैं वो कहावत कैसे भूल गया कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। पूरे मार के मैं तुम्हें। क्या यार, बहन भी मारती है, भाई भी मारता है, मेरा क्या होगा? अरे झगड़ो मत। अच्छा सूर्या, ये बता कि आज फाइनली किसका प्रोजेक्ट अप्रूव होना है? बताओ। मेरे हिसाब से तो दोनों के प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दोनों का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। नो नो सूर्या, डिप्लोमेसी इज नॉट अलाउड। तुम्हें हम में से किसी एक का इनाम लेना होगा। हाँ सूर्या, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम हम दोनों में से किसे जिताना चाहते हो, बताओ। यार पूजा, तूने सुबह सुबह कहाँ फंसा दिया। ए सूर्या, डोंट टॉलोफाई। हाँ, तुम्हारे दिल से क्या आवाज आ रही है? गुड्डी का प्रोजेक्ट सिलेक्ट होना है या सीम्स का, बताओ। इस सवाल का जवाब देना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि मेरे दिल की आवाज तो मुझ तक तब पहुंचेगी नहीं जब मेरा दिल मेरे पास होगा, लेकिन मेरा दिल तो किसी ने चुरा लिया और देने का नाम ही नहीं ले रही है। हाय हाय, बड़ा रोमांटिक है तू तो। सूर्या दिखा कहीं? सूर्या बाहर बैठ के अपनी चम्मक छल्लों के साथ गप्पे मार रहे। पता नहीं यार, इस सूर्या को भी क्या हो गया। Come on Sam, ये सब बातें छोड़ो, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज कोई मायूसी वाली बात नहीं करते, बस थोड़ी देर
और प्रोफेसर दास गुड्डी को इसके एनालिसिस के लिए बुलाएंगे। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना है। पेनी, अगर प्रोफेसर दास ने गुड्डी को सेकंड चांस दिया तो? नो वे, मैं प्रोफेसर दास को अच्छे से जानती हूँ। वो कोई भी स्टूडेंट को सेकंड चांस दे ही नहीं सकते। और वैसे भी आज यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट सबमिट करने का लास्ट डे था। यानी कि पेनी, तुम ये कहना चाहते हो कि अगर आज गुड्डी फेल हुई तो कॉम्पिटिशन से सीधा आउट? हाँ, यस आउट। वैसे जब सुकेश और सीन्स में से कोई सिलेक्ट हो जाएगा ना, तब गुड्डी बहुत रोएगी, है ना? बेचारी, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ आज कुछ ऐसा होने भी वाला है। पेनी, अब तो तुम खुश हो ना? यस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मन तो करता है कि बस सेलिब्रेट करूं। कम ऑन पेनी, वी मस्ट सेलिब्रेट दिस। यस मैडी, एब्सोल्युटली वी मस्ट सेलिब्रेट। यहाँ गुड्डी प्रोजेक्ट में फेल और हमारा सेलिब्रेशन शुरू। पर पेनी, इस सेलिब्रेशन के बारे में सूर्या को नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, वैसे ये मेरा पहला स्टेप था। आगे आगे देखना क्या होता है। इस गुड्डी की बच्ची का ऐसा हाल करूंगी ना, उसने हमारा ग्रुप तोड़ा है ना, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। चलो कैंटीन चलते, बहुत भूख लगी। सूर्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुड्डी, डरने की क्या बात है, तुम प्रैक्टिकल्स भी तो कर चुकी हो, सब कुछ तो आता है तुम्हें। हाँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों इतनी नर्वसनेस फील हो रही है। इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है गुड्डी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन अगर मैं कुछ गलती करूँ ना तो तुम मुझे इशारा तो कर दोगे ना? हाँ, इशारा कर दूँगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी प्रिपरेशन बिल्कुल पक्की है, तो गलती का कोई चांस ही नहीं है। अब जल्दी चलो, लेट हो गए तो प्रोफेसर दास नाराज हो जाएंगे। अरे तो मुझे ऑल द बेस्ट तो कर दो। आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू टू। अगर तुम आ रहती तो हमें सारी डिटेल्स पता चलनी थी यार। हाँ यार पहले वहां रहते तो गुड्डी की झुंझलाट, उसकी कंफ्यूजन, तुझे वहां होना था ना इडियट। तू इडियट यार, अगर मैं वहाँ रुकती तो उस मिडिल क्लास की शक्ल देख के मुझे बहुत हंसी आती। और तुम जो एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हो ना, वो मैं इमेजिन कर सकती थी। व्हाट इज दिस पेनी, तूने सारा मजा किरकिरा कर दिया। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि पेनी आएगी और सारा ड्रामा सुनाएगी। अरे असली ड्रामा तो तब शुरू होगा जब प्रोफेसर दास वहाँ से चले जाएंगे। गुड्डी के क्या आंसू बहेंगे तब, और तब वो कंफ्यूजन, टेंशन, झुंझलाट वाली एक्सप्रेशन ना तुम दोनों खुद देख लेना। नहीं पेनी यार, तुम लैब में जाओ ना, समझते क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं समझते हो यार, मैंने कहा ना अगर मैं वहाँ लैब में गई तो मैं बहुत हंसूंगी और गुड्डी को शक हो जाएगा कि जरूर मैंने कोई गड़बड़ की है। प्रोफेसर दास, पेनी, व्हाट इज दिस? तुम्हारे स्टूडेंट का वहाँ चल रहा है एक्सपेरिमेंट और तुम नजर? सर वो, हाँ सर, वो मैं मम्मा को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने आई थी, इसलिए मैं वहाँ से बाहर आ गई। ओके, आई विल गिव यू इन हाफ एन आवर माय डिसीजन एंड यू रिमेन प्रेजेंट। ओके ओके सर,
सर वैसे गुड्डी का प्रोजेक्ट ठीक ठाक था ना? मैंने तुमसे कहा ना पैनी कि तुम मेरे रूम में आ जाओ, आधे घंटे में सब कुछ बता दूंगा तुमको। बस आधा घंटा और, ओनली हाफ एन आवर, और फिर गुड्डी खत्म। मैंने तीनों एक्सपेरिमेंट्स को किया ऑब्जर्व, और सुकेश यू आर वेरी मेथोडिकल। थैंक यू सर। नीरज गुड जॉब। थैंक यू सर। सीमा तुम्हारा बड़ा अच्छा था। सब्जेक्ट और तुम्हारा बहुत अच्छा था। एनालिसिस। थैंक यू सर। बट पेनी यू आर मार्वेलस। तुमने बहुत अच्छा किया प्रिया को गाइड। प्रिया वॉज ब्रिलियंट इन एनालिसिस। शी डिड द वर्क एज प्रोफेशनल। अब तो आप समझ गए होंगे कि जेडी कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कौन रिप्रेजेंट करेगा। प्रिया खन्ना। थैंक यू सर। थैंक यू पेनी। कम बैक गुड्डी। हमने खुद गुड्डी के सैंपल्स बदले थे ना? फ्रस्ट्रेटिंग यार, इम्पॉसिबल यार। यार हम तो सेलिब्रेट करने की सोच रहे थे और ये हो क्या गया? ये क्या हो गया? कैसे हो गया? कब हो गया? इसका जवाब मैं तुम तीनों को देता हूँ। जब तुम तीनों अपना घटिया प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे ना, तब मैं वही थोड़ी दूर पे खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। पेनी, सैम, मैडी, जो सैंपल्स तुम तीनों ने कुछ पैसे देकर भोलाराम से बदलवाए थे, वही मैंने बिना कुछ दिए भोलाराम से कहकर वापस रखवा दिए। तुम्हें अगर याद हो तो तुम तीनों ने गुड्डी के सैंपल्स वहीं फेंक दिए थे। मैंने उठाया और जाकर भोलाराम को दे दिया।
और उसी के साथ साथ मैंने भोला राम को एक धमकी भी दी बड़े प्यार से। कि मैं सारी बातें मिसेस भट्टी को बता दूं। फिर क्या था, भोला राम चुपचाप गया और गुड्डी के सही सैंपल्स सही जगह पर रख दिए। उसके बाद क्या हुआ वो तो तुम तीनों जानते ही हो। गुड्डी को नीचा गिराने के चक्कर में तुम तीनों इतना गिर जाओगे कि मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तुम तीनों ये सोच रहे होगे ना कि इस सब के बाद सूर्या हमारा दोस्त रहेगा या नहीं, है ना? सूर्या एक्चुअली बात शट अप। अपनी घटिया जुबान से मेरा नाम लेने की जरूरत भी मत कर। आई एम वार्निंग यू, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम दोनों क्या समझते हो अपने आप को? क्या खाता तुमने इस लड़की को कि सूर्य के सामने जाकर एक्टिंग कर? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है? मेरे सामने तो दोस्ती की दुहाई देते हो और फिर पीछे ये सब ऐसी हरकत करते हो। हिपोक्रेट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी बात साफ साफ सुनो। सूर्य ग्रुप मैंने बनाया, सूर्य ग्रुप मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, इसके ग्रुप मेंबर्स बदल गए। अब इस ग्रुप के मेंबर्स वो लोग हैं जिनके दिल साफ, यानी कि पूजा, सीम्स और गुड्डी। तो प्राणजीत कौर, संपूर्ण सिंह और मदन लाल, मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर आज के बाद तुम तीनों ने गुड्डी को किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। Got it? And please don't take it easy this time. पूजा, सीम्स, गुड्डी, वेलकम टू सूर्य ग्रुप। थैंक यू सूर्या। तो गुड्डी, सूर्या ग्रुप रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है तो पार्टी तो बनती है। हाँ सूर्या, और सीम्स वाले भी पार्टी बाकी है और गुड्डी की जीत की पार्टी भी बनती है। तो एक काम करते हैं, तीनों पार्टीज को क्लब करते हैं और एक शानदार पार्टी करते हैं। चलो बहुत प्लानिंग करनी है। हाँ। यहाँ सब लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रुप की पार्टीज कितनी शानदार होती है। चलें। चलो। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिकर में। चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी